सो हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर वन स्टडी चैनल रेस एकेडमी धीरे साहब चैंपियन में। तो गाइस आज से आपकी लाइव क्लासेस फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं और उन स्टूडेंट का वेलकम है, स्वागत है जो इतने मॉर्निंग में सुबह सुबह क्लास करने के लिए तैयार है, क्योंकि आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक और टॉपिक को कवर करेंगे और ये सारी चीजें बिल्कुल आपको सीखने को मिलेंगे। आप हर एक क्लास में आते हैं और आपको फील होता है कि नहीं, हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती है और बिल्कुल आसानी से आप उन चीजों को कंटिन्यू अच्छे से समझ के याद रख सकते हो, ताकि जब एग्जाम में आप पेपर देने जाओगे तो इसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। आपको सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे और एक्स्ट्रा प्राइवेट क्लासेस ऐप में भी दिए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग एकदम शुरू से पढ़िए, डेली सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे क्लासेस आपकी दी जा रही है। प्लस आपके लिए 1 दिसंबर से यानी आज के बाद नेक्स्ट डे से चैप्टर 1 से स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे चैप्टर वाइज स्टडी के लिए। तो गाइस क्या आप सभी लोग तैयार हैं आज की सेशन के लिए, एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए। और जितने स्टूडेंट आ चुके हैं हाजिरी लगा लेंगे। हाँ सर आ चुके हैं, चलो गुड मॉर्निंग शशि भूषण, आई लव यू, क्या कह रहा है भाई, नालंदा की पावन भूमि से सर आपको प्रणाम। चलो ठीक है, प्रणाम। चलो विधायक जी, खुशबू कुशवाहा, अभय प्रजापति, विजय, प्रमोद रायल छोरी, मंजीत राज, चलो ठीक है सभी को प्रणाम है। खुशी गुप्ता, रंजना, प्रमोद, आदित्य, सुनो आज हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ नई चीजें सीखेंगे, बिल्कुल ही नई और आपके लिए बहुत ही, ये 10 मिनट के बाद आपको फील होगा कि नहीं, हमें अब चीजें आ रही हैं, है ना। और मैं बता दूं आपके लिए आज आखिरी मौका है, जितने भी स्टूडेंट क्लासेस कर रहे थे बहुत दिनों से, है ना, क्लासेस आपने किया भी होगा, देखा भी होगा और ऑलरेडी इसमें बहुत सभी स्टूडेंट हमारे पहले से ही क्लास ले चुके हैं। तो जो स्टूडेंट, क्योंकि कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो रेशवा एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, लर्निंग ऐप, आप गूगल प्ले स्टोर से रेशवा एकेडमी सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और वहीं से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 में जाके अपना क्लास अनलॉक कर लेंगे। फुल कोर्स अभी ऑफर के थ्रू केवल 299 है, कल से ऑफर खत्म हो जाएगा तो ये चीजें फिर आपकी 499 हो जाएगी। फिर कोई नहीं कहेगा सर वापस से ऑफर दे दे, क्योंकि हमने कहा भी था कि जब तक बैच अभी चैप्टर वाइज नहीं स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पढ़ाना तो हमने चालू कर दिया है, चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगा तो वापस से अपना फीस 499 हो जाएगा। और जिन्हें मालूम है ज्वाइन करना कि कैसे होता है या दूसरे दोस्त से करवाना चाहते हैं, आप नंबर भी नोट कर लीजिए 9621948025। डायरेक्ट इसी नंबर पे आप फोन पे गूगल पे करा के स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देंगे या फिर आप हमें ऑफिस टाइम में कॉल करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज लास्ट डेट है, पूरा तैयारी एकदम शुरू से हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। प्लस तीसरी चीज जो आप चीजें पढ़ रहे हैं उसका नोट्स आपको बनाते रहना है, बहुत सारे नोट्स मैं आपको खुद दूंगा और हर एक चैप्टर की थ्योरी, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट और संडे टेस्ट जो कि प्राइजली होता है, बहुत सारी चीजें हैं ऐप में। तो चलो गुड मॉर्निंग है, चलो पूर्व सीएम अखिलेश, रंजना कह रहे सर गुड मॉर्निंग है, चलो सबको, निखिल, पंकज, शशांक, आशुतोष, रीतिका, पूर्व सीएम अखिलेश, चलो ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जिन्हें लेना है। पहला सवाल लेकर आ रहा है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ग्रैंड ओपनिंग कितने स्टूडेंट करते हैं, मतलब स्टार्टिंग ही उनकी जबरदस्त होती है, ये देखना है। पहला सवाल आपके लिए आ रहा है और पहला सवाल कुछ इस तरीके का है, आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, क्वेश्चन आपके सामने ही है, तुरंत बताइए। जिन्हें आ रहा है, कोई धन है 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, आपको रेट बताना है। चलो देखते हैं किसका पहला आंसर सही होता है। चलो खुशी गुप्ता बताइए डियर क्या होगा, रितेश, अरुण पॉलिटेक्निक करा सर 25, ओके गलत सवाल,
के साथ शुरुआत करने के लिए आपको बधाई नहीं दी जाएगी, सही सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। सभी ने कहा सर 25%। अच्छा ये विधायक जी कहाँ गया जी, इसको पकड़ो पहले, इसको ब्लॉक करते हैं, आ जाओ। किसी भी स्टूडेंट इतना आसान, अब देखो यहीं से आइडिया लग गया कि आप एग्जाम में फेल करवाने के लिए खुद को ही तैयार हो, दूसरे को छोड़ो खुद को ही। ये सब सवाल हम जब आपको बताएंगे, ये देखो नासिक पॉलिटेक्निक के आपको बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, सबके लिए ये हेल्पफुल होगा बिल्कुल, है ना। चल नहीं आया अभी तक, नहीं आया किसी का भी, नहीं आया, सबने गलत किया, 25% सब कह रहे हैं। रंजना का भी गलत है, खुशी इंजमाम दिल थे, सभी गिन्नी मिश्रा भी गलत किए है, विधायक जी तो पूछो ही मत, ये तो ऐसे ही लोल हो गया एकदम। देखो जब धन अपने का एन गुना हो जाए, दो गुना हो जाए, पांच गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, तो आपको ऑलरेडी मैं बता रखा हूं और फिर से बता रहा हूं नए सेशन से, नए शुरुआत, जब धन कोई भी धन अपने का एन गुना हो जाए तो ट्रिक इसका क्या होता है, टाइम पूछेगा कि कितने समय में हो जाएगा, या फिर दर पूछता है, दो ही चीज पूछेगा, या तो आपसे दर पूछेगा या तो टाइम पूछेगा, है ना। तो आपको टाइम टी बराबर याद रखना है और नोट कर लेंगे कि कितने गुना हो जा रहा है, यानी कि एन माइनस वन, पांच गुना हो रहा है तो 5-1, दो गुना हो रहा है तो 2-1, अपॉन में रेट, किस रेट से हो रहा है, ब्याज की दर कभी दिया रहता है, कभी कभी पूछेगा, अब इंटू 100, क्या इसे नोट करो तुरंत। ये आपका एक एक सिंगल फार्मूला एक लाइन से भी कम में आपके सवालों को सोल्व करवा देगा, नोट हो गया। चलो अब बताओ इसी फार्मूले का यूज करके आप लोग तुरंत अब आंसर बताओ, क्योंकि ऑलरेडी आपको टाइम पता है, रेट पूछा है, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। फास्ट गाइज, अब तो यार ग्रैंड ओपनिंग होना चाहिए। सर मेरा दरभंगा में हो गया है एडमिशन, अंशु आनंद कंग्रेचुलेशन है किसी का, ओके गाइस। चलो तुम लोग लग रहा है इतने दिन गैप जो कर लिए हो, पढ़ने में वीक हो चुके हो। सुनो टी आपको, आपको क्या पूछा है, दर पूछा है ना, तो हम आर को इधर लेकर आते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा आपको सर, एन माइनस वन, एन क्या है कितने गुना हो रहा है, तो आपको सर दो गुना हो रहा है, तो 2-1 कर दे, अपॉन में टी नीचे आ जाएगा, यानी कि टी टी समय, समय कितना है 15 वर्ष में, तो 15 लिख दे इंटू 100, आपको सर 2 में से 1 घटाए, 1 ही आया, यानी कि 100/15 हो गया, काट दीजिए 5 से 5 तिहाई 15 और 5 से 20 बार में, यानी कि 20/3%, तो रेट आपको मिल गया 20/3%, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते 3×6=18, 6×2=3%, तो आप जैसे भी कहो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 6.66 बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, हाँ अभी विश्वकर्मा तीना, हाँ विश्वा प्रताप सिंह, रंजना, खुशी गुप्ता, अंकित राज, अभी विश्वकर्मा, निखिल, गिनी मिश्रा का, सभी का लगभग लगभग सही है, जिन्होंने इन दोनों में से कोई भी आंसर दिया है अब जाके आपका सही है स्टूडेंट, इसे नोट कर लो, क्योंकि ये एक सवाल नहीं, इसमें अभी तो ये केवल स्टार्टिंग है, कई सवालों में आपको हेल्प करेगा। अगर आप अपना हेल्प एग्जाम में करना चाहते हैं जहां आप नहीं कर पा रहे, तो अब गुना वाले प्रश्न जब भी याद रहे, साधारण ब्याज से याद है, साधारण ब्याज पे तो लिख लेना, जब कोई धन अपने का एन गुना साधारण ब्याज से हो जाए तो टी बराबर दिस फार्मूला। एक सवाल और करते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए, क्योंकि जब आपको एक ही सवाल को जब प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आपको ये आ जाएंगे चीजें, तो आपका एग्जाम में काफी ज्यादा यहां से बेनिफिट्स होगा। लीजिए अब बताइए, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा, लगभग उसी के जैसा है, इसमें ज्यादा कोई है ही नहीं, साधारण ब्याज की, इसमें भी रेट पूछा है, समय दे रखा है और 2 गुना हो रहा है, सबसे फास्ट गाइस, गाइस 6 ओके, सबसे पहला आंसर आया है इसमें अनुप शर्मा का, फिर रंजना मौर्या सेकेंड है, विकास कुमार पॉलिटेक्निक थर्ड नंबर पे है,
टीना नाइस कुमारी चौथे नंबर पे, कोमल सोनी का 20% पांचवें नंबर पे। आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, 20% होगा। क्यों? क्योंकि आपको फार्मूला मालूम है और फार्मूले का ही यूज करना, जब गुना वाला सवाल हो जाए तो टी बराबर एन माइनस वन अपॉन में आर मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम देखते हैं टी का मान ऑलरेडी दे रखा है 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष कर दीजिए। एन माइनस वन, एन कितना है, कई गुना हो रहा है, तो शायद 2 गुना हो रहा है, 2 माइनस 1 अपॉन में आर, रेट कितना है, रेट ही तो पूछा है, इंटू 100। तो आपको सर आर को इधर भेज दीजिए, यानी आर बराबर 2 में से 1 या 1 गुणे 100 और बट्टा में 5 को नीचे लेकर आएंगे, तो 5 से 100 को काट देंगे 20 बार में, यानी कुल मिलाकर आर बराबर कितना हो गया, 5%। अगर सॉरी 20%, 5 मैंने लिख दिया है, 20%। इसका मतलब तुम लोग नहीं समझ, आंसर तो आप लोग ला दिए होंगे, इसका लॉजिक क्या है और इसका कैसे यूज होता है, या फिर ये आपके डेली लाइफ का यूज का ही सवाल है। अगर आप कहीं पे भी अपना पैसा किसी को भी दे रहे हैं, अगर आप उससे 20% ब्याज पे दे रहे हैं पैसा, जैसे बैंक को एक कार लोन होम लोन लोगे तो लगभग 11% 12% तक भी जाता है, तो अगर वो परसेंटेज 20% में है, तो आप जितना पैसा लिए हो 5 वर्ष में आपका 2 गुना हो जाएगा। मतलब आपने 5 लाख उधार लिया है ना 20% के हिसाब से, बस 5 साल इंतजार करो, आप लोग को 5 लाख के जगह 10 लाख भरना पड़ जाएगा। यानी कि किस तरीके से ब्याज आपको, आपके जितने जितना पैसा बैंक से लेंगे उतना तो देना होगा, अगर 20% के ब्याज से लिए तो 5 ही वर्ष में आपको 2 गुना उन्हें वापस करना होगा, या आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप ऐसे किसी जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं जहां पे आपको 20% ब्याज मिल रहा है, आप प्रॉफिट ले रहे हो 20% का, तो आपने 2 लाख रुपए लगाया तो 5 साल में आपका 4 लाख रुपया हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। तो इन चीजों में कैलकुलेशंस के लिए जरूरत पड़ती है, और ये आपका बिल्कुल सही है। चलो रॉयल सॉरी गिन्नी का भी सही है, पूर्व सीएम अखिलेश, चलो अखिलेश जी को भाई वेलकम है, अखिलेश जी आए हैं क्लास में, है ना, बाबा योगी जी तो अभी कब्जा किए हैं लेकिन अखिलेश जी को फिर से जिताना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अब बदल रहा है, अब इसमें ऑलरेडी आपको वैल्यू दे रखी है, अब रेट वोट नहीं पूछ रखा है। एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में, टाइम पूछा है, 4 गुना हो जाएगा फास्ट, किसका आंसर आएगा, मजा आ जाएगा जो इसका आंसर सबसे फास्ट दिया। फिर से देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन आता है गाइस। ओके, सबसे पहला टीना नाइस ने आंसर दिया 30%, फिर रंजना मौर्या, फिर रितिका वर्मा, तीनों टॉपर में गर्ल्स चली कैसे गई। प्रिंस लेकिन चौथे नंबर पे कब्जा किया हुआ है, प्रिंस कुमार वेल डन। सर ग्रुप बी वाले का क्लास दीजिए सर, हम लोग को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आशुतोष डियर आपको क्या बताएं, ग्रुप बी वालों का नहीं अभी चल रहा है क्लास, ग्रुप ए वालों का चल रहा है। आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी थी इसलिए आपका अभी क्लास नहीं चल रहा है। देखो हमने बीच में कई चीजों को गैप भी किया, इसके लिए हमने कई बार सॉरी भी मांगा आपसे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो देखो काउंसलिंग में इतना ज्यादा हैवी लोड था, कभी कभी बीच में तबीयत भी डाउन हो गया था, लेकिन फिर भी एवरेज एकदम ब्रेक नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा क्लास जा रहा था, बट अब सारी चीजें ओके हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो एंट्रेंस एग्जाम, चाहे सेमेस्टर का या फिर क्लास 12th का, हर एक स्टूडेंट को अब डेली क्लासेस मिलेंगी और पहले से काफी ज्यादा मिलेंगी। सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि इनकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही, जब हम फ्री रहते हैं तो ये बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज में रहते हैं, क्योंकि इनकी कॉलेज का टाइमिंग रहता है, तो एक टाइम फिक्स हो जा रहा है, आज ही आपको बता दिया जाएगा और उस टाइम पे आपकी क्लासेस चले लगेंगी। ठीक, आपको 2 क्लासेस सेमेस्टर में भी अब जाएंगे। देखो ये सवाल का आंसर 30 30 वर्ष डुबता रहा है कोई, उनका सही है, समय का फार्मूला वही है। कैसे करेंगे, आपको सर टी पूछा है,
तो पूछने दीजिए। और एन का मान कितना है, 5 गुना हो जाता है, तो 5 माइनस 1 अपॉन में आर कितना है, 10% है, मल्टीप्लाई बाय 100। आपको सर 5 में से 1 को घटाएंगे, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 4 हो जाएगा, 5 में से 1 को घटाएंगे 4, और गुणे 10 अपॉन में 10, सॉरी ये तो 0 खत्म हो गया, तो 4 दहा में तो 40 हो गया है ना। अच्छा 4 गुना हो जाएगा, वही तो हम 5 गुना लिखे, ये 4 गुना हो जा रहा है, तो 4 रहेगा, 4 रहेगा, तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, कितना 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। तो 3 × 10, 3 × 10 यानी कि 30 वर्ष। इसका मतलब समझ में आया कुछ, क्या हुआ कि कोई भी पैसा अगर आप 10% ब्याज पे दे रहे हैं तो 30 वर्ष लगेंगे उसे 2 गुना होने में, है ना। पहले के लोग पैसा जमा भी करते थे कि 8 साल में 10 साल में वो 2 गुना हो जाता था, ऐसा कुछ हुआ करता था। लेकिन जैसे पिछले सवाल में 20% आपका ब्याज मिल रहा था, तो आपका 20 वर्ष में ही 2 गुना हो जाता था, लेकिन ब्याज जब कम मिल रहा है तो आपको समय ज्यादा देना, अब 30 वर्ष में आपका पैसा डबल हो जाएगा, है ना। तो पैसा सबसे ज्यादा प्रॉफिट देखो, बैंक कितना ब्याज देता है आपको, लगभग 3.5%, जो आप SBI में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, HDFC वगैरह में जमा करते हो, तो आपको सेविंग अकाउंट पे लगभग लगभग इतना ही ब्याज मिलता है, 3.5 के अप्रोक्स। तो आप सोचो आपका पैसा कितने समय में 2 गुना होगा, जब 10% है इसका 3 गुना है, तब तो 30 वर्ष लग जा रहा है ना। बैंक में क्या नियम होता है, एक तो आपको ये ब्याज मिलता ही मिलता है, इंटरेस्ट मिलेगा ही, प्लस आपका जब पैसा ज्यादा रहता है तो आप क्या कर सकते हो, FD कर सकते हो। FD जैसे मान लो किसी के पास 50 हजार या 1 लाख या फिर उससे ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो अपने बैंक में जाएगा, बोल देगा कि मेरा पैसा FD कर दीजिए। FD मतलब फिक्स डिपॉजिट। अब इस पे ब्याज यह ज्यादा मिलने लगेगा, अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है। जैसे अब मान लो मेरे अकाउंट में 5 लाख है, तो कुछ कुछ बैंकों में क्या होगा, ये पैसा अपने आप FD में स्विफ्ट हो जाएगा, या आपको फोन करके या फिर ब्रांच पे जाके बोलना होगा मेरा बैलेंस वही था, पहले आपको ये ब्याज मिल रहा था, लेकिन अब आपको FD में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप हो जाता है, या फिर करवाना भी पड़ता है कहीं कहीं, तो अब आपको ब्याज दुगुना हो गया। FD का मतलब फिक्स डिपॉजिट हो गया, अब आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा। इसमें कोई नुकसान नहीं है FD कराने में, कोई पैसा भी नहीं लगता है, लेकिन आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। और ये पैसा FD तब तक रहेगा जब तक आप उसमें एक लिमिट फिक्स रहता है, मान लीजिए आपके पास 2 लाख का FD करा दिए, उसी पैसे को बोल देंगे कि FD में डाल दीजिए, तो आपको ब्याज ज्यादा मिलने लगेगा, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप उसे निकाल भी सकते हैं, है ना। लेकिन उससे मिनिमम आपको नहीं करना है, मिनिमम करेंगे तो तुरंत आपका वापस से इसमें आ जाएगा, ऐसा नहीं कि FD करवा लिए तो इसका अलग से पैसा देना पड़ेगा। अब FD हो गया तो जब तक वो पैसा आप छेड़ नहीं रहे, आपका 2 महीने 4 महीने जब तक वो उससे ज्यादा मेंटेन है, आपका ब्याज ज्यादा मिलेगा। जैसे ही आपको जरूरत हुआ इसमें से पैसा निकाल लिए कुछ, तो ये FD हट के फिर से सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलना लगेगा, है ना। तो इस तरीके से भी सुविधाएं होती हैं। ये वाले का आंसर 30% जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही है, 30% होगा, हाँ 30% वाले स्टूडेंट का बिल्कुल सही है। और आप सभी लोग अपने मित्रों को और मित्रियों को और गांव में सभी को बता देंगे कि न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, ऑफर के थ्रू पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी एक वीडियो मिल जाएगा कि क्लास कैसे ज्वाइन करना है, या फिर आप सर्च कर लिया करो यूट्यूब पे, रेशवा अकेडमी कोर्स कैसे ज्वाइन करें, या रेशवा अकेडमी से कैसे पढ़ाई करें, बहुत सारी चीजें उसमें देखा है, उसमें कोर्स कोर्स के अलावा कैसे चीजों को पढ़ना है ये भी बताया गया है। एक सवाल और है, इसके बाद आपको थोड़ा लेवल अप चेंज करेंगे, इस टाइप का मुझे अब विश्वास हो गया है कि आप सवालों को कर पाओगे। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, लीजिए आंसर बताइए, ब्याज और आंसर। एक लड़का कह रहा है रंगदार भाई, हमारा ऐप सर फ्री में खोल दिए थे, अभी तक पैसा नहीं दिए हैं, और काउंसलिंग में भी 50 रुपया कम दिए थे,
ये कौन है भाई, इतना सर जी को ही चूना लगा रहा है। ये देखो, तुम लोग सोचते हो कि हम सर जी को बेवकूफ बना दिए, उनसे कम पैसे ले लिए, या हमने दिया ही नहीं पैसा। तो ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं रहता है या हम फिर भूल के कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इस चैनल का पर्पज रहा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का हेल्प हो पाए। और आप सब लोग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को फ्री में भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, और कुछ स्टूडेंट चलो सर कम ही पैसा है अभी नहीं है, या फिर जिनके पेरेंट्स नहीं है उनको तो टोटली फ्री रहता है सारी स्टडी, कुछ भी हो उनको टोटली हम फ्री में पढ़ाते हैं। तो इसलिए उस चीजों को हम ध्यान नहीं देते, हमारा पर्पज एक ही रहता है कि चलो ठीक है तुम बस पढ़ो, बाकी चीजें छोड़ दो, बाकी को हम कवर कर लेंगे, वो हम अपना लॉस सह लेंगे, लेकिन आपका लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट इसे ज्यादा भी प्यार देते हैं और चीजों का बेनिफिट्स लेते भी हैं, कि हमें जब पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा तो ये आदत है ना, आपकी आदतें ही आपका भविष्य निर्माण करेंगे। आपको पढ़ने का अगर लत लग गया, आपको पसंद आने लगे, जहां आप डरते थे कि यार मैथमेटिक्स में मुझे डर लगता है, फिजिक्स में मेरा हालत खराब हो जाता है, तो जब आपको पढ़ने, आप खुद क्लास में इंतजार क्यों करते हो? जितने स्टूडेंट क्लास का वेट करते हैं उसमें मतलब वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको इंतजार है कि चलो ठीक है 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट में सर आ जाएंगे, फिर हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक दिन आप सीख रहे हो, इसी तरह अगले 2 महीने में आप सोचो कितनी चीजें सीख लोगे। मैथमेटिक्स में मैं बताऊं लगभग 150 के करीब पॉइंट्स आपको सीखने हैं। अगर आप 3 महीने भी कंटिन्यू पढ़ लिए तो हर एक चीज एकदम आसान हो जाएगा, हलवा टाइप का हो जाएगा, ताकि आप बेहतर रिजल्ट ला पाओगे, बहुत ही ज्यादा बेहतर, है ना। आपको देखो लाइक के लिए या सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं बोला जाता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जब आप सीखोगे तो खुद ही आप लाइक भी कर लोगे या सब्सक्राइब करोगे, और 10 बच्चों को बताते भी होगे हाँ सर क्या क्लासेस चल रही है। सिंपल वही फार्मूला है, टी बराबर n-1 अपॉन में r into 100। तुरंत करेंगे बिना देरी के, n कितने गुना हो रहा है, 3 गुना, तो 3-1 अपॉन में r 5% है और 100, तो 5 से काट देंगे 100 को 20 बार में, 3 में से 1 घटाएंगे 2 × 20 यानी कि ये 40%। तो एक चीज तो तय है, जहां आप पहला सवाल करने में सोच रहे थे धड़ल्ले से आंसर सभी स्टूडेंट दे रहे हैं कि सर जी 40% होगा। हाँ, बबलू कुमार, रॉयल छोरी, अभी विश्वकर्मा, गिनी मिश्रा, खुशी गुप्ता, राजा कुमार कुशवाहा, बबलू कुमार, रॉयल छोरी, शशि भूषण, कोमल सोनी का भी सही है। बिल्कुल देखो, कोमल सोनी एक बेहतरीन स्टूडेंट है, इतना ज्यादा नॉलेजेबल स्टूडेंट अभी मैंने नहीं देखा है, सबसे बेस्ट है। कितना वो कठिन सवाल ला दो, कोशिश करके उसे सॉल्व कर लेती है, लेकिन हर एक इंसान का अलग ड्रीम होता है और कुछ सारे बच्चों का सपना, और चीजें बैलेंस भी नहीं हो पाती, क्योंकि आपको टाइम से पहले ही चीजों को करना है तो भी आप गलत डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो कभी कभी अपने ड्रीम को पोस्टपेन करना पड़ता है ना। जरूरी नहीं कि हर समय जब आपको उसी समय कर लें, आपको अपने सपनों के लिए कभी कभी इंतजार भी करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मूवी देखे हो ना दंगल मूवी, तो आमिर खान क्या कहता है, उसका ड्रीम रहता है गोल्ड मेडल लाना, लेकिन वो नहीं ला पाता है, तो वो अपना ड्रीम पोस्ट बाईपास करता है अपने छोरियों पे, उनकी छोरियां उनके लिए क्या करती हैं, गोल्ड मेडल लेकर आती हैं। वैसे ना हमारी छोरी छोरे से कम है क्या, आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट किसी न किसी स्टडी में अभी फंसे हुए हैं, जिसके वजह से वो इस बार एडमिशन नहीं ले पाए, है ना। तो कोमल का भी वही कंडीशन है, कोमल भी अब नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेगी, मुझे उम्मीद है अब ये पटना में ही, क्योंकि इन्होंने चीजों को त्यागा है, थोड़ा वेट किया है, तो अगला पटना में एडमिशन फिक्स होना ही चाहिए, है ना। चलो, तो वेलकम है, बेहतरीन स्टूडेंट हमारी फिर से जुड़ी हुई है, और सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए पढ़ाई करेंगे। कोई कुछ पूछता है जिसको नहीं मालूम है तो आप बता सकते हैं जो भी चीजें हो। अब थोड़ा डिफरेंस लेवल हम लोग चेंज करते हैं, अभी तक गुना वाला हो गया, अब मुझे विश्वास है आप कर ले जाओगे, सीख चुके हो, चाहे रेट पूछे चाहे टाइम पूछे आप कर लोगे। अब है जब T1 वर्ष में N1 गुना हो जाए, आप तक यही तक करते थे कि 5 वर्ष में 20 गुना हो जा रहा है, तो यहां तक आपको सवाल था, अब इसका लेवल बढ़ गया, इसी में 2 सवाल है।
अगर 5 वर्ष में मान लो कि 10 गुना हो जा रहा है, तो पूछेगा 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, यानी कि अगर T1 वर्ष में एन गुना, T2 वर्ष में N2 गुना हो जाए तब सवाल कैसे बनेगा। सवाल इस तरीके से बनेगा, देखो नया लेवल है, समझना प्यार से। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाती है, यानी कि 20 वर्ष में कितना हो जा रही है, 2 गुना, ठीक है होने दो। वह कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगी, सवाल समझना, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। 20 वर्ष में 2 गुना हो रही है तो कितने वर्ष लगेंगे उसे 4 गुना होंगे होने में। तो कोई सोचेगा अरे सर 20 वर्ष में 2 गुना हो रही है तो 40 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, यही करना चाहेंगे आप, लेकिन ये गलत है। फिर से आप सोचिए समझिए और इसका आंसर मुझे चाहिए। चलो वो फार्मूला नहीं लगेगा, इसका फार्मूला अलग है। रितेश पटेल कह रहा है सर 4 वर्ष, कैसे 4 वर्ष होगा जी, 20 वर्ष में तो 2 गुना हो रही है, तो जब भी आएगा इससे ज्यादा आंसर आएगा। फिर से सोचो और आंसर करो। चलो राजा 5 बता रहा है। टिंकू अग्रवाल कह रहा सर 60, इसमें परसेंटेज कहां पूछा है कि 60% तुम ला दिए, 60% कहां से ला दिए। चलो टीना नाइस, राजा 5, ओ हो, तुम लोग को लग रहा है फार्मूला बताना ही पड़ेगा। चलो फार्मूला से शुरुआत करते हैं। फार्मूला होता है T1/T2, पहले कर लो, किसी को याद है वहीं से फार्मूला बताओ, क्योंकि 2 वर्ष है और 2 गुना है ना। यहां अगर हम इसे T1 मान ले, इसे N1 मान ले, और इसे कितने वर्षों में यानी कि T2 मान ले, और 4 गुना यानी कि N2 मान ले, तो फार्मूला क्या बनेगा। किसी का भी, चलो टीना नाइस बताओ, ना किसी का भी आंसर फार्मूला नहीं मालूम है आपको, रुक जाओ अब मैं आपको बता रहा हूं। T1/T2 इक्वल टू होता है N1/N2, N1 में से भी -1 कर देंगे, N2 में से भी -1 कर देंगे, और इसके साथ क्या करेंगे, ब्रैकेट में इसे सुरक्षित पैक कर लेंगे और इसे कहेंगे कि नोट कर लिया हमने। ये फार्मूला बन गया है आपका, और ये ड्राइव करके ही फार्मूला आया है, लेकिन मैं आपको सीधे फार्मूला दे रहा हूं ताकि आप उस फार्मूला से फार्मूला याद रखो और इसका यूज करेंगे। अब यही फार्मूला जब भी आपको ऐसे सवाल हो, T1 वर्ष में N गुना तो कितने वर्ष में इतना गुना हो जाएगा, ऐसे सवाल है ना, अब आना चाहिए आंसर। चलो बबलू कुमार 5% दे रहा है, T1/T2 N2/ वीरेंद्र आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया है बस, बाकी आपका फार्मूला सही है। एक लड़का कह रहा सर हॉटस्पॉट ओपन कीजिए ना, डाटा खत्म हो गया है। डाटा खत्म हो गया तो रात भर कहां क्या कर रहे थे। चलो T1 का मान कितना है, 20 है, T2 का मान कितना है, पूछा है ना, मैं फार्मूले में रख रहा हूं। N1 कितना है, 2 गुना, तो 2 -1, अब -1 रहेगा ही, अपॉन में N2 -1, N2 कितना है आप कहोगे सर, T2 वर्ष में अपने का 4 गुना, N2 4 है, तो 4 -1 कर देंगे, अब -1, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो 20 है ही, 20 है ही, आपको सर 20/T2 पूछा है, रहने दो, और 2 में से 1 घटाए 1, 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा बिल्कुल ही। अच्छा -1 तो हमने पहले ही कर दिया था, N1 -1, तो फिर -1 क्यों लगाए हम भी, क्या है जब आपने इन चीजों को पहले ही लगा दिया तो -1 के लगाने की क्या जरूरत है। आप और 2 में से 1 घटाए 1, 4 में से 1 घटाए 3, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 20 में करेंगे, 3 का 20 में करेंगे, तो 20 में 60। अब ये थोड़ा सा कठिन लगा होगा लेकिन अब नहीं लगेगा, एक बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। देखो मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उसका बेनिफिट आपको बिल्कुल मिलेगा। तो 3 का गुणा 20 में 60 आया, फार्मूला क्या हुआ,
फॉर्मूला महा इजी है, महा इजी, पूरे समझ लो कठिन कितना भी था, हालांकि किसी ने भी आंसर सही नहीं किया था, लेकिन अब किसी भी गलत नहीं आएगा। फार्मूला यही रहेगा, जब टी वन वर्ष में एन वन हो जाए, टी टू वर्ष में एन टू हो जाए, तो फार्मूला टी वन अपॉन टी टू एन वन माइनस वन अपॉन एन टू माइनस वन याद रहेगा। हाँ आज क्या बात है, बिना कहे सब लोग लाइक कर लिए हो, सब लोग नहा वहा के आए हो ना क्लास में, कितने स्टूडेंट नहा के आए हैं, हैंड सब कर लेंगे, सबका सही है बिल्कुल। अब जिन्होंने 60 दिया है सभी स्टूडेंट का सही आंसर है। अगर आपको आ रहा है तो आप इस सवाल को जाने नहीं देंगे, अगला सवाल आप खुद बताएंगे। ये लीजिए, और आज से ही अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देंगे, नोट करते रहेंगे चीजों को, कि हमें अब हर दिन सीखने को मिलेगा, तो काफी ज्यादा कलेक्शन आपके हो जाएगा शॉर्ट ट्रिप का। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना होती है, वह कितने वर्ष में 5 गुना होगी? फास्ट, सबसे फास्टेस्ट आंसर किसका आ रहा है ये हमें देखना है। अभी तक आंसर नहीं आया, खुशी गुप्ता बताओ फटाफट, हरिराम, अभी विश्वकर्मा, प्रिंस कुमार, सचिन। हाँ सबसे पहला आंसर आया है सचिन कुमार का, बहुत अच्छा सचिन, वेरी गुड। खुशबू कुशवाहा करी, अभी तो सोए है, नहाएंगे कहाँ से, चलो ठीक है माफ कर दिए। टिंकू अग्रवाल का भी सही है 10%, सचिन और खुशी गुप्ता चौथे नंबर पे है ना। टीना का भी सही है, इंजमाम दिल से बेहतरीन स्टूडेंट है। कार्तिकेय यादव, क्या बात है भाई, मेंबरशिप लिए हो क्या, इसका कमेंट्स हाईलाइट कैसे आ रहा है ना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट मेंबरशिप लिए हैं 29 रुपीज वाला, वैसे स्टूडेंट को अलग से सपोर्ट मिलेगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लो। फार्मूला वही है, टी वन अपॉन टी टू इक्वल टू एन वन माइनस वन एन टू माइनस वन, है ना। तो टी वन का माने 5, टी टू का माने कितने वर्षों में, टी टू नहीं मालूम है, टी टू मामा को तो जानते ही होगे, टी टू मामा आ चुके हैं, तुम लोग भुवन बाम को जानते होगे तो टी टू मामा को भी जानते ही होगे। एन वन माइनस वन, एन वन कितना है 5 वर्ष में 3 गुना, 3 गुना तो 3 माइनस 1, कितने वर्षों में 5 गुना, तो 5 माइनस 1, यानी कि अगर मैं लिखूं ये टी वन है ये एन वन है, यह कितने वर्षों में, यानी कि टी टू पूछा है और यह एन टू है, वैल्यू को रख दो, आप लिख के भी रख सकते हो, हमें तो डायरेक्ट करना है। तो ये आंसर कैसे हो जाएगा, 5/T2, दो तीन में से गया 2 और 5 में से गया 4, आप चाहो सो 2 से 4 को काट सकते हो, 2 बार में, एक बार में कटा 2 बार में कटा, टी टू का गुणा 1 में किए तो टी टू आ गया, 2 का गुणा 5 में किए 10 आ गया, यानी कि अगर कोई पैसा है अगर वो 5 वर्ष में 3 गुना होता है तो उसे 5 गुना होने में 10 वर्ष केवल लगेंगे, कितना 10 यार, सभी का सही है ना, जिनका सही है एक बार वहीं से हैंड्स अप करके भेज देना इमोजी। और जितने इसमें सुबह सुबह जागे हैं, आपका चेहरा काफी अच्छा होगा सुबह सुबह, तो एक हंसने वाला इमोजीज भी, प्यारा से स्माइलिंग इमोजीज हमारे पास पहुंचा दीजिएगा बिल्कुल। विशाल सर जी, मेरा आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, हम टॉप 5 में आंसर दे रहा हूँ। हाँ तो हम टॉप 4 तक ही बोले थे, तो 5 वाला छूट गया होगा। खुशबू कुशवाहा करे, हे 10 होगा सर जी। राज छोरी का भी सही है, गिनी मिश्रा, विश्व प्रताप सिंह, बहुत अच्छा अनुदीप, वेरी गुड डियर। MD अंसारी आलम का सही है, निखिल अवस्थी, संध्या वर्मा का भी सही है, सोनू, रंजना, अतुल, अतुलेश, बहुत अच्छा अतुलेश, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है ना। कुछ स्टूडेंट व्हाट्सएप पे कहेंगे सर मुझे एक सवाल पूछना है, हाय सर, हेलो सर, तो जब तक तुम ये मैसेज किए हो उससे अच्छा है कि तुम डायरेक्ट सवाल पूछ लो, सर मुझे यदि कैसे हाय करोगे, फिर हेलो करोगे, फिर सर गुड मॉर्निंग करोगे, सर से एक सवाल पूछना है, तो चीजें क्या होती है वो अपना लॉस करा रहे हो, इससे अच्छा है सीधे जो पूछना रहता है वही पूछ लिया करो, सर मुझे एक सवाल पूछना है, ये सवाल करके 2 बार आंसर ना करो, एक बार में तुम्हारा रिप्लाई हो जा रहा है यही बहुत है ना। चलो एक और सवाल बता दो, और पॉलिटेक्निक की एकदम, अरे आंसर की कहाँ से आ गया,
इसके नीचे आंसर की लगा हुआ है, तो इसका पीडीएफ आपको वहीं पे जाएगा, होमवर्क में इसका आंसर ले लीजिए आप। सभी स्टूडेंट इसको होमवर्क में लेंगे, है ना। और इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, बहुत सारे बच्चों का रहता है क्योंकि अब डेली पीडीएफ आपको जा रहा है, तो फ्री पीडीएफ में आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पे मिलेगा। आप अगर टेलीग्राम चलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलाते हैं तो आज ही जो डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम, जैसे व्हाट्सएप चलाते हो, और टेलीग्राम डाउनलोड करके उसमें ये सर्च करना RSEVA रेशवा अकेडमी, डियर आपकी चीजें पहुंच जाएंगी, बस आपको वहां पे रहना तो होगा, है ना, रेशवा अकेडमी, है ना। ये टेलीग्राम पे है। और दूसरी चीज, इसी नाम से ऐप भी है, ये पहली हो गई, ये दूसरी ऐप है, दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, दोनों में फ्री की बहुत सारी चीजें। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि सर ज्वाइन करना ही है, तो आप नंबर को नोट किए रहिए, आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, 9621948025, है ना। और दूसरा नंबर हमारा है 9628004708। बार बार आपको पूछने की जरूरत नहीं है, और जिन्हें मालूम है कि सर हमें पढ़ना है, वो ऐसे बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। अभी केवल और केवल 299 आपका कंप्लीट 1 ईयर का फीस है, ये 1 ईयर के लिए सभी सब्जेक्ट का है, और एक में प्राइवेट क्लासेस का है, तो जो उसमें अलग से पूरी तैयारी शुरू से करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपने देखा होगा जहां किसी का अता पता नहीं चला, वहां एकदम धड़ल्ले से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, बहुत ही ज्यादा। ये अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे, सर हमारा पोस्ट डाले क्यों नहीं, हमने पटना 13 लाया है फिर भी हमारा नहीं डाले, अब कोई चंपारण ला दिया है, मुजफ्फरपुर लाया, उसका पोस्ट कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है डियर, हम क्या है, धीरे धीरे चीजों को पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई बहुत देना है, इस वजह से लेट हो रहा है। आज लगभग लगभग 50 बच्चों का और पोस्ट कर देंगे जिनका गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन मिल चुका है, ठीक है, तो हो सकता है आज आपका पोस्ट आ जाएगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया, कुछ सर हमने लास्ट में इतने दिन ही पढ़ा था फिर भी रिजल्ट बन गया, सभी को कंग्रेचुलेशन है। कार्तिकेय यादव करा, जियो शेर पढ़ो दबाकर, रेशवा एकेडमी जिंदाबाद। चलो बहुत अच्छी बात है सर जी, क्लास का टाइमिंग लंबा कर दीजिए। हाँ लंबा नहीं, 1 घंटे चलेंगे एक क्लास, ठीक, जैसे सुबह 7 से 8 चलेगा, तो ये कल से ही, कल आपके लिए कुछ नई चीजें आने वाली, तो कल आपका मिस नहीं होना चाहिए, कल पूरी कहानी आपकी डिजाइन होने जा रही है, किस तरीके से आपको आगे का कार्यक्रम करना है ना। क्योंकि आगे ये भी है कि अभी सबको देखो, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस फ्री में गए थे, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी वीडियो फ्री में जाएंगे, जो स्टूडेंट जुड़ा हुआ है उसको बेनिफिट सुनना ही चाहिए, और होगा भी, पिछले साल भी हुआ था, अभी भी 2 क्रैश कोर्स लगे हुए हैं, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं ना, वो समय अगर अभी आपके पास है, दोनों क्रैश कोर्स पूरा पढ़ लेना, एक दिन में 2 वीडियो भी देखोगे तो एक एक वीडियो में 10 10 चैप्टर को पढ़ाया गया है क्रैश कोर्स में, और फुल डिटेल में अलग से हम पढ़ाएंगे ही। मॉडल पेपर लगा हुआ है, उठाओ एक बार मॉडल पेपर सॉल्व करो, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। उसके अलावा आप लोग के पास प्रीवियस ईयर के पेपर ऑलरेडी एप में दिया गया है, अभी नए पीडीएफ उसमें और जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास बहुत समय है, तो तब तक तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर ही उठा के सॉल्व करना चालू कर दो, समय को आपके पास जो सोचे अभी कर लेंगे ना। सच्चाई ये है कि आपके पास उतना समय नहीं है, आप उतना ही नहीं कर पाओगे जितना अभी दिया जा चुका है। 10,000 क्वेश्चन करना ये आसान नहीं है, और वो सभी चीजें आपसे करवाएंगे, और आपको करना भी होगा, जब आप रगड़ के पढ़ेंगे ना, तो जिसे पहले क्या आता था, वो जिसमें से जिन निकलता था, क्या था उसका क्या नाम होता था, जिसको ऐसे रगड़ते थे तो जिन निकलता था, तो बोलता था बोलो मैं तुम्हारी पूरी इच्छा को आज पूरी करूंगा, चिराग, चिराग, जब जितना रगड़ोगे आपकी इच्छा तभी पूरी होगी, यानी कि पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। वेलकम है सभी का, और उम्मीद करूंगा खुशबू कुशवाहा सर थ्योरी शुरू से होगा ना सर, हाँ शुरू से बिल्कुल, चिराग, हाँ शशिकरा सर चिराग सर,
कल आप ऐप पर पढ़ाई होगा क्या? हाँ, कल ऐप पर प्राइवेट क्लासेस भी जाएंगे जी। सर जी, आप क्यों लेट आते हैं? हम लेट इसलिए आते हैं क्योंकि सुबह सुबह टाइम का पता नहीं चलता है, लेकिन इतने लंबे समय गैप हो गया था इसीलिए। आप आपको पता है पहले लेट नहीं हुआ था, अब आपके 7 बजे, मतलब 7 बजे है ना। टीना करे सर, यूट्यूब पे क्लास होगा ना? यूट्यूब पे क्लास होगा, लेकिन सभी क्लासेस क्लियर नहीं होंगी। विशाल यादव करे, चिराग कहते हैं सर। हाँ, और जितने स्टूडेंट इस चैनल पर जुड़े हुए हैं लाइक कर लेंगे, इसका आंसर आपका आना चाहिए। सभी को दिल भेजूंगा यहाँ से, मतलब जिनका जिनका कमेंट में सही आंसर रहेगा, ठीक है। और नए स्टूडेंट हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। क्लास की टाइमिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुबह 7 बजे एकदम चाय के साथ, और प्लस शाम को 7 बजे, है ना। क्लासेस कीजिए एकदम पूरे पॉलिटेक्निक में, एकदम नंबर वन की स्टडी कीजिए। नंबर वन ऑनलाइन कोचिंग है भी, और आपको करना है। अब जरूरी नहीं है कि भौकाल है तो आप पास हो जाओगे, आपको नंबर वन प्रिपरेशन करना भी पड़ेगा, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की हो या फिर IERT की हो, दोनों की तैयारी चल रही है। और प्राइवेट क्लासेस में केवल और केवल एप के ही बच्चे पढ़ते हैं, एप में ये चलेगा 11 बजे से, 11 PM पे, ठीक। और कोई सवाल है तो 2 मिनट आपके पास दे रहा हूं, पूछ सकते हैं। ये कौन है? शशि भूषण कर रहा है, दबा के लाइक एंड शेयर ठोको महाकाल के नाम पे। तुम लोग धासु सर जी को भी फेल कर दोगे क्या? सर जी आप लल्लन टाप लग रहे हैं। अरे थैंक यू, चला ऐसे स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट है विशाल। कोई तो है जो तारीफ किया, वरना इस नाचीज को कौन पूछेगा, है ना। सर BA के साथ पॉलिटेक्निक कर सकते हैं? करने को कर सकते हो, लेकिन यह इलीगल है। अब करने को कर सकते हो, कोई तुम्हें मना भी नहीं करेगा, तुम एग्जाम भी दे दोगे, तुम पास भी होगे, तुम्हें रिजल्ट भी मिल जाएगा। बस एक साथ डिग्री को यूज ना करना। जिन स्टूडेंट को, बहुत अच्छी चीजें हैं सुन लेना, जिन स्टूडेंट को दो दो चीजें करनी है, मतलब पॉलिटेक्निक भी करना चाहते हैं और सोचते हैं साइड में ग्रेजुएशन या BA वगैरह BSc हो जाए, तो आप पॉलिटेक्निक तो रेगुलर करोगे, ये तय है। दूसरा क्या करना, डिस्टेंस मोड में यानी कि प्राइवेट मोड में अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट करना। अगर आपका एडमिशन हो चुका है, आप पढ़ रहे हो, तब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्या करेंगे, प्राइवेट मोड में अपना एडमिशन ले लेंगे। वहां पे क्या होता है, प्राइवेट मोड में केवल आपको क्लासेस नहीं देना होगा, आप केवल एग्जाम देने जाओगे, जबकि रेगुलर वाले में भी वही होता है, लगभग लगभग आप एग्जाम देने ही जाते हो, लेकिन यहाँ से आपको दोनों डिग्री एक साथ वैलिड हो जाएगी, आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, SG यदुवंशी, चलो डियर आप कॉल कर लेना, मैं आपकी प्रॉब्लम को चेक कर लूंगा। सर बिहार पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर का क्लास चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, और आज से ही चलेगा। झारखंड का होगा, सेकंड काउंसलिंग होगा, मॉपअप कब से होगा डियर? कल वीडियो बनाए हैं। अच्छा, रंजना मौर्या करे सर, झूठ झूठ बोलते हैं, दिल नहीं भेजते हैं। हाँ, अरे हाँ, पिछले 2-3 दिन से नहीं मैं रिप्लाई कर पा रहा था, है ना, क्योंकि कुछ बाहर भी मैं था, शादी वगैरह चल रहा था, कई लोगों का मतलब हैप्पी एंडिंग हो गया है, अब उनकी शादी होने के बाद ना इंसान के चेहरे पे स्माइल कम और खोपड़ी में टेंशन ज्यादा रहता है। और ये बहुत लोग सोचते हैं गार्जियन में, चलो इनका आप शादी करवा देते हैं, अगर अभी आपकी खर्चे 10 रुपए हैं, शादी के बाद 3 टाइम्स हो जाएंगे, 3 गुना। अगर आपकी सेविंग अभी जितना है उससे 3 गुना होगी, तभी आप शादी कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल सोचना ही मत, डरे रहना। अरे बाप रे, जैसे हम देखो एकदम डरे रहते हैं कि अभी इतने ज्यादा खर्चे हैं और फिर क्या होगा, क्योंकि किसी के साथ आप लाइफ के साथ जुड़ोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हर वो सुविधाएं खुशियां दीजिए जो उसको उम्मीद हो। बहुत सारे स्टूडेंट का या फिर लोगों का ड्रीम होता है ये करेंगे वो करेंगे, शादी होने के बाद सब भूल जाते हैं, तो ये नहीं है तो वो नहीं है, उसी में लगे रहेंगे। इसलिए जो करना पहले कर लो, उसके बाद तो बस किसी तरह जिंदगी जी लोगे, है ना। खुशियां
आपको तभी मिलेंगी जब आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, और उसके लिए समय है अभी मेहनत करने का, कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही सर। लाइक करो दबा के, कार्तिकेय करा सर। आईआरटी का फॉर्म, आईआरटी हाँ, सीएम अखिलेश कह रहा सर आप दिल मत दीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे वो कंप्यूटराइज डिजिटल हर्ट है ना, कोई कितना क्यों ना फेमस हो जाए नाम तो मेरा ही चलेगा। अच्छा आशुतोष कह रहा है हाँ, नाम इसका हमेशा, ये गोल्डन स्टूडेंट है जी, हीरा सब है, हीरा रेशवा अकेडमी के। चलिए फिर से हम लोग नए बैच में कल से सुबह 7 बजे मिलते हैं। टेलीग्राम में इसका पीडीएफ तुरंत आपको मिल जाएगा, और जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं है अभी तुरंत व्हाट्सएप करके, कॉल करके, या फिर ऐप के थ्रू, सबसे अच्छा ऐप से बिना कुछ सोचे आराम से, उसमें बहुत सारी वीडियो लगी भी, कैसे ज्वाइन करना है, क्या सिलेबस, तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। प्लस दूसरी चीज, आप जो जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों को आज बताएंगे भाई तैयारी करना है, आज आखिरी मौका है, जुड़ जाए। चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।